मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम आर फेस स्कूल झपहा मुजफ्फरपुर। स्टूडेंट, आई एम यू जी के टीचर। सो क्लास 3 एंड सब्जेक्ट जी के। ओके स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 3 का सब्जेक्ट जी के पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा कोई चैप्टर नहीं है, बस हमारा रिविजन क्लास है। ठीक है, चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर और बचा है जो आपको मैं पढ़ा दूंगी स्टूडेंट। तो हम लोग निकालेंगे आज चैप्टर पेज नंबर 14, 15 एंड 16। चैप्टर इज 7, चैप्टर इज 8। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा चैप्टर जो है 14 में, चैप्टर 14 में है थिंग्स अराउंड अस, साइंस इन पब्लिक प्लेसेस। ओके, साइंस इन पब्लिक प्लेसेस। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में, मार्केट इज नो पार्क, मार्केट में हमें नो पार्किंग, कहीं भी गाड़ी इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, है ना। मेट्रो कोच में नो ड्रिंक और नो ईट, खाना भी नहीं चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट एग्जिट हो जाना चाहिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जितने देर की जरूरत है उतना ही टाइम हम वहां पे रहें, अन्यथा एग्जिट हो जाए। देन नेक्स्ट इज म्यूजियम, स्टूडेंट म्यूजियम इज एरिया अंडर सर्वेलेंस। देखिए स्टूडेंट, म्यूजियम के अंदर जाके हम जो है चुपचाप उसे छू नहीं सकते हैं, वो हमारे कैमरे में कैद हो जाता है और हम चुपचाप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम छूएंगे तो वो हमें कैमरा में दिखेगा और आगे आप लोगों को पनिश करेगा, है ना, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शॉपिंग मॉल, की फिट अवे फ्रॉम साइट। ओके, जिधर से जाना है उधर से ही जाना है, जिधर से आना है उधर से ही आना है। टेम्पल इज नो फोटो, स्टूडेंट टेम्पल में हम फोटो नहीं खींच सकते। एरोप्लेन इज वेयर सीट बेल्ट, ओके सीट बेल्ट हम लगा के ही एरोप्लेन में बैठे। उसके बाद लाइब्रेरी नो डाल, पेट्रोल पंप इज, उस पर हम लोग क्या करते हैं, नो स्मोक, स्मोकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर हम साथ में कर सकते हैं। उसके बाद सिनेमा हॉल में हाउसफुल। ओके, तो ये था हमारा पेज नंबर 14। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज चैप्टर 7। स्टूडेंट चैप्टर 7 में हम लोग पढ़े थे फेमस इंडियंस। ओके, तो देखिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं यहाँ पे, है ना। देखिए उनका नाम दिया गया है और उनका नेक नेम भी दिया गया है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, है ना, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इटीसी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नेक नेम भी है जो कि इस चैप्टर में दिया गया है। तो आप लोग नेक नेम विद फ्रीडम फाइटर को लर्न कीजिएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट चैप्टर इज 8। ओके, टेंपल टावर। तो हमारा आठवां चैप्टर जो है, आठवां पार्ट जो है ना, वो है इंडिया इज द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल टेंपल्स। भारत में मंदिर का बहुत सारा स्थल है ना, जो कि हम लोग देखने जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, जैसे लोटस टेम्पल, स्टूडेंट लोटस टेम्पल जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो है आपका दिल्ली में, है ना, दिल्ली में लोटस टेम्पल है। नेक्स्ट इज माउंट अबू, ओके, है ना, दिलवाड़ा टेम्पल्स। ओके, द नेक्स्ट इज अमृतसर, नेक्स्ट इज कोलकाता, और आपका हो गया विंदेश्वर टेम्पल, है ना। ये सब कुछ टेम्पल्स हैं जिनके जगह दिए गए हैं और टेम्पल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से लर्न करेंगे दोनों चीज। ठीक है, दैट इज क्लियर। और एक देखिए, गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज श्री हरमिंदर साहब। स्टूडेंट गोल्डन टेम्पल को हम इस नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज आपका हो गया स्टूडेंट 3 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखिए।
जो कि बोर्ड पे लिखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट पहले तो आप लोगों को भी पढ़ाया है टेंपल, मेट्रो, कोच, एरोप्लेन, लाइब्रेरी एंड पेट्रोल पंप। ओके, इन सबको इससे मैच करना है या इसके सामने सामने लिख देना है। एक चीज और ध्यान रखिए, आप एग्जाम में हमेशा मैच द कॉलम जो हो उसके सामने ही लिखिए। अगर आप मैच करते हैं तो वो ओवर राइटिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसके सामने एरो देंगे और एरो के सामने जो इसका मिलान करने के बाद आंसर होगा उस आंसर को एरो के सामने लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग सामने सामने ही लिखिए, एग्जाम में हो या फिर क्लास वर्क में। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़े हैं अभी तो आप लोगों को रिवाइज हो गया। नेक्स्ट इज राइट द फाइव फेमस इंडियंस। ओके, फाइव फेमस इंडियंस का नाम लिखना है, फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिखना है। ठीक है, समझ आया। राइट द फाइव टेम्पल्स नेम। स्टूडेंट टेम्पल्स नेम जैसे लोटस टेम्पल है ना, बिंदुएश्वर मंदिर, ये सब था ना, उसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपको खुद से लिखना है। राइट द फाइव बर्ड्स नेम। स्टूडेंट बर्ड्स नेम जो है आप लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1, 2 एंड 3 इसमें आप लोग पढ़े है ना, लेकिन बर्ड्स का थोड़ा 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 रूप हम आगे तक जानेंगे है ना स्टूडेंट। तो आप लोग ये लिखिएगा, इसे अपनी कॉपी में नोट डन करिएगा। ये पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं है ना, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। तो आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे अपनी कॉपी में खुद से लिखेंगे और खुद से इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे लर्न कीजिएगा अच्छे से। ये आपके एग्जाम के पहले का रिवीजन है जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते थे है ना, वीकली टेस्ट लेते थे। वीकली टेस्ट में भी क्वेश्चंस पूछा जाता था, इसे आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हम ऑनलाइन क्लास में भी आपका रिवीजन क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में लिख के याद कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।